हेलो दोस्तों, लावा ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया में। इसका नाम है लावा ब्लेस NXT। तो आज के हम बात करेंगे लावा ब्लेस NXT के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और इस फोन में आने वाली तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स या इश्यूज के बारे में जिसकी वजह से इस फोन को कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों, ये फोन आज इंडिया में एक ही वेरियंट से लॉन्च हो चुका है जो कि 4GB रैम प्लस 64GB का स्टोरेज और फोन का जो प्राइसिंग रखा गया है 9,299 रुपीज और ये फोन अमेजोन में दिखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसमें की आने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम की, वो इस फोन का डिस्प्ले। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई फुल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, जबकि 9000 बजट में आपको मिलेगा टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 90 और 8 प्रो, दोनों में आपको मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले। वहीं बात करें इन्फिनिक्स की, इन्फिनिक्स हॉट 11 और हॉट 11 2022 में आपको मिलेगा फुल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। अगर आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको मोटोरोला का मोटो G31 देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। वहीं मोटो G32 में भी आपको मिल जाएगा 1900 का IPS LCD डिस्प्ले। वहीं बात करें इन्फिनिक्स की, इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 12 10,000 बजट में देखने को मिल जाएगा, दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले। वहीं बात करें सैमसंग की, सैमसंग गैलेक्सी F13 आजकल 9,000 बजट में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको मिलता है 60Hz का फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो बात करते हैं इस फोन की आने वाली दूसरी प्रॉब्लम की, वो इस फोन का बैटरी। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी, जो कि डेटा इस फोन आपको मिलता है सिर्फ 10W का स्लो चार्जर देखने को मिलता है, जबकि 9000 के बजट में आजकल सभी स्मार्टफोन में आपको मिलता है 18W का चार्जर से लेकर 33W का चार्जर देखने को मिल जाता है। जैसे कि 9000 के बजट में आपको मिलेगा रेडमी 10 और इन्फिनिक्स हॉट 12, दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है 18W का फास्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही बात करें सैमसंग की, सैमसंग गैलेक्सी F13 आजकल 9000 के बजट में देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी और 15W का चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही बात करें टेक्नो की, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो आजकल 9000 के बजट में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी और 33W का चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर आप 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 12 दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी और 33W का चार्जर देखने को मिल जाता है। और 9000 के बजट में आपको मिलेगा टेक्नो स्पार्क 90, उसमें आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी और 18W का फास्ट का सपोर्ट देता है, बॉक्स में भी 18W का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इस फोन की आने वाली तीसरी और लास्ट प्रॉब्लम की, वो इस फोन का प्रोसेसर। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का Helio G37 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। G37 एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है, लेकिन ये जो G37 का चिपसेट एक 12 nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट है, जबकि 9000 के बजट में आपको मिल जाएगा रेडमी 10 विदाउट ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, वहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6 nm फैब्रिकेशन का बना है। तो अगर आपको गेमिंग करना है तो आप रेडमी 10 की तरफ भी जा सकती हो, और ऑफर के साथ आपको 9000 के रेट में इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 12 देखने को मिल जाएगा, दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और लावा का ब्लेस 5G भी 10000 के बजट में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 7 nm फैब्रिकेशन का बना है और एक 5G चिपसेट है, जबकि यहाँ पे आपको मिलता है G37 का एक 4G चिपसेट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या वाकई में लावा ब्लेस NXT को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। जी हाँ, इस फोन के साथ आप बिल्कुल भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड और साथ साथ आपको मिलता है ग्लास बॉडी। अभी कोई भी कंपनी 9000 के रुपीज में ग्लास बॉडी प्रोवाइड नहीं करी है, और इस फोन के बैक में आपको मिलता है 13 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेकिन 9000 के बजट में आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 12 और रेडमी 10, दोनों में आपको मिलता है 50 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। प्लस फोन के फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि एक वाटर ड्रॉपलर स्टाइल के साथ आता है, जबकि 9000 के बजट में आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 11 और हॉट 11 2022 और मोटोरोला का मोटो E2022S और E32, दोनों में आपको मिलता है 5 होल कैमरा। दोस्तों, अगर आप 10,000 अगर आप एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो जाके परचेस कीजिए मोटोरोला का मोटो G31। ऑफर के साथ आपको अंडर 10,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 5 mAh बैटरी, और फ्रंट में आपको मिलता है 13 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि 5 होल कैमरा के साथ आता है, और बैक में आपको मिलता है 15 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और UI में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड और स्टॉक में कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो ये थी पूरी वीडियो लावा ब्लेस NXT के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।